हाय गाइस गाइस, आज हमने जो मार्केट से प्रॉफिट जनरेट किया है वह क्या है, करीब करीब 3,19,292 रुपये का। जब हमने ये प्रॉफिट यूट्यूब पर अपलोड किया तो अपलोड करने के बाद मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, मुझे बहुत सारे कमेंट आए। लोग जानना चाहते थे कि सर, जब निफ्टी एक अपसाइड की तरफ मूव कर रहा था तो आपने क्या देखकर मार्केट में एक पुट साइड का ट्रेड लिया, आप कितने लॉट्स में ट्रेड करते हैं, आपका फंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मैं मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ, ना कि गैम्बलिंग। आप ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में फ़र्क जानते हैं? देखिए, एक जो ट्रेडर होता है वह मार्केट में जो भी फंड इन्वेस्ट करता है उसका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि वह 10-20% बनाए और मार्केट से एग्जिट हो जाए। और जो गैम्बलर होता है वह यह सोचता है कि मैं जो भी फंड मार्केट में इन्वेस्ट करूं उसका डबल या ट्रिपल बनाऊं, ठीक है। और यही कारण है कि वह गैम्बलर मार्केट में अपना सारा पैसा लालच के कारण डुबा देता है और बाद में बैठकर रोने के अलावा उसके सिवा कुछ नहीं रहता। तो शायद आपको पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में क्या फ़र्क होता है। मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए मैं मार्केट से 10-20% बनाता हूँ और एग्जिट हो जाता हूँ। तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब मैं कितने लॉट्स में ट्रेड करता हूँ, और शायद अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि मेरा फंड कितना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, लोग ये भी जानना चाहते थे कि मैंने किस लॉजिक के साथ मार्केट में अपने पुट साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ कि मेरा 3-स्टार सेटअप है। अब 3-स्टार सेटअप में क्या क्या आता है? पहला मेरा आता है FIDI का डेटा, दूसरा आता है मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और तीसरा आता है हमारा मूविंग एवरेज। मैं इन्हीं तीनों के बेस पर अपनी मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं और मार्केट से 10-20% बनाता हूं और मार्केट से आउट हो जाता हूं, ठीक है। और यही कारण है कि मैं यहां पर लगातार प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूं। अब बहुत सारे लोगों ने लॉजिक पूछा कि आपने क्या लॉजिक के साथ मार्केट में ट्रेड लिया। देखिए, मार्केट में एक यहां पर रेजिस्टेंस था, ठीक है, इस लेवल पर, मैं आपको ये लेवल दिखाता हूँ, इस लेवल पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस था। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल्स को टच किया, ठीक है, मैंने अपने पुट साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। मेरा 18,300 का पुट था, वह 94 रुपये चल रहा था, ठीक है, मैंने 94 पर उसको बाय किया, वह 94 से 140 तक गया, लेकिन मैंने उसको 120 पर एग्जिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं गैम्बलिंग नहीं करता। और यही चीज़ हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी बताई थी, बहुत सारे लोगों ने वहां पर भी प्रॉफिट जनरेट किया होगा। अब देखिए, हम लोग जब भी मार्केट के अंदर लॉस करते हैं तो इसके लॉस करने की जो सबसे बड़ी वजह रहती है वह लालच रहता है। हम लोग एक ही दिन में अपने जो पीछे किए हुए लॉस हैं उसको एक ही दिन में रिकवर करना चाहते हैं, हम लोग एक ही दिन में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन यह एक असंभव बात है। हम एक ही दिन में अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते, हम एक ही दिन में अपने किए हुए पिछले लॉस को रिकवर नहीं कर सकते। आप जब भी मार्केट के अंदर आए, मैंने आपको हमेशा बताया है, इसको नया समझ कर आए। अब बात करते हैं आज के FIDI के डेटा की, कि आज FIDI के डेटा में FI ने क्या पोजिशंस को क्रिएट किया है। देखिए, FI यहाँ पर कैश सेगमेंट में बाय करके गए हैं, DI भी यहाँ पर कैश सेगमेंट में बाय करके गए हैं। FI इंडेक्स ऑप्शन से केवल और केवल 942 करोड़ रुपए एग्जिट करके गए हैं, लेकिन FI ने स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस में भी अच्छी खरीदारी की है। अब इस डेटा को आप प्रीवियस डेटा से कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस डेटा जो हमारा था वह कहीं ना कहीं आज के डेटा से वीक था, आज का डेटा प्रीवियस डेटा से स्ट्रॉन्ग है। तो अभी FI और DI यहाँ पर पूरे श्योर हैं कि वह कहीं ना कहीं मार्केट को एक अपसाइड की तरफ ले जाना चाहते हैं। इनका एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट अभी अप ऊपर की साइड जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम FIDI के डेटा पर अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम सिर्फ FIDI के डेटा के बेस पर मार्केट का एक्सपेक्टेशंस देखते हैं कि ये लोग किस साइड मार्केट को मूव कराना चाहते हैं, इनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। देखिए, ये लोग छोटे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, ये लोग एक बड़े इंस्टीट्यूशंस में से आते हैं। आप खुद सोचिए, NSE सिर्फ इन्हीं का डेटा क्यों प्रोवाइड करती है। देखिए, FI अगर 922 करोड़ रुपये मार्केट में रहे हैं तो इनका एक्सपेक्टेशंस ये नहीं होगा कि मार्केट नीचे गिर जाएगा,
ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इन्हें यहाँ पर एक भारी लॉस से गुजरना होगा। तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि अभी FI तैयार है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक अपसाइड की तरफ जा सकता है, इसी वजह से FI ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि FI ने करीब 15 से 20 दिन बाद, ठीक है, 19 तारीख को सेल किया था। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जिस दिन से FI सेल करने पर आ जाएँ तब हम मार्केट को उठा नहीं सकते, लेकिन FI ने यहाँ पर 19 तारीख को सेल किया था और आज ट्रेडिंग डे था, ठीक है, दो दिन का ऑफ था, यानी कि 22 तारीख को FI ने फिर से ख़रीदारी की है। तो FI अभी भी मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जाने के लिए पूरे सपोर्टिव हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे। लेकिन हम जो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे वह 3-स्टार सेटअप के साथ ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।